इवेंट में बुलाते हैं तो रिजेक्शन मिल सकता है। ऐसे बहुत से हमारे बिजनेस के रिचुअल्स हैं जिसके अंदर हमें रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको इस बिजनेस से आउट कर सकती है। इस बिजनेस में ना एक्चुअली कोई फेल तो होता ही नहीं, ये तो आपने कई बार सुना होगा, फेल कोई नहीं होता हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में सिर्फ 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 रिजेक्शन को झेल ना पाना उस बिजनेस से आउट कर देता है हमें। अगर मैंने इन्होंने पढ़ी, मतलब ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, उनका सुन मतलब ये मतलब दिन रात हमारी बात होती थी, और जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग अपना प्रेस्टीज बताया उस दिन से हमारी थोड़ी सी दूरी हो गई, थोड़ी सी अगर दूरी हो गई, वैसे होनी नहीं चाहिए और प्रोफेशनली ही डील करना चाहिए, बट समा हो गई तो मैं भी इस बिजनेस में, भाई मेरी दोस्त छुड़ा दी इस प्रेस्टीज ने, ना 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 मैंने नहीं करना इस प्रेस्टीज को, है ना, ये वाली बात। टेक इट एज अ प्रोफेशन यार, इट इज अ प्रोफेशन। जैसे हर कोई डॉक्टर, हर कोई इंजीनियर, हर कोई टीचर, हर कोई जो भी एक्स वाई जेड प्रोफेशन है, अगर हर कोई नहीं है तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है क्या? कोई इंजीनियर उसका दोस्त इंजीनियर नहीं बनना तो ईगो हर्ट हो जाएगी क्या? होगी। मैं टीचर हूं तो आप मेरा, मेरे आप भाई बंधु बैठे हो, सबको टीचर ही बनना है, जरूरी है नहीं ना? तो इस बात को टेक इट एज अ प्रोफेशन की कभी भी रिजेक्शन को लेना नहीं है। मैं एक बहुत मेरी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ, शी हैज अ ह्यूज पोटेंशियल और उसके पोटेंशियल आज तक भी निकल नहीं पाए। आई नो शी कैन डू वंडर्स इन दिस बिजनेस। बहुत अच्छी जगह रहती है, जीके दिल्ली में है। उसने मेरा इंस्टाग्राम वगैरह देखा, उसने बोला भाई आजकल तो बड़ी छाई हुई है, तो मैंने बोला बस ऐसे ही थोड़ा बहुत तो मैं कहती तो बता तू क्या कर रही है आजकल, मैंने बोला बस वही अपना पुराना जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, तो कहती वही वही, मैंने बोला हाँ हाँ वही 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 वाला, तो कह रही अच्छा यार तो बता दे फिर तू आ किसी दिन, तो मैंने कहा अच्छा आ जाती हूँ। मैं उसके पास गई, अभी रिसेंट 1.5-2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, मैं उसके पास गई और मैंने उसको समझाया, कह रही बस, मैंने बोला हाँ बस, तो कह रही यार तो ये तो मैं कर लूंगी, इसमें कोई वो नहीं है। तो मेरा क्या रहता है, जब मैं पहली बार किसी को प्लान दिखाती हूँ तो उस समय मेरी कोशिश रहती है कि मैं सेकंड मीटिंग उसके घर पे बैठूं, उसको प्रोडक्ट समझाऊं, उसको थोड़ा बिजनेस के बेसिक समझा के आऊं, तब हम कोई मीटिंग सेट करें। तो उसने बोला अरे नहीं, मैं बता रही मेरे 10-15 ऐसे लोग हैं, सबको कॉन्फिडेंस बड़ा होता है इस बारे में भाई, जब अपने मतलब अपने 10-15 में तो बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, तो 10-15 वो है, तू बस आ जाइयो या छोड़ चंचल, सीरियसली उसने बोला छोड़ चंचल, 10-15 मैं कर लेती हूँ, उसके बाद की कहानी तेरे से शुरू होगी। मैं बोला ओके डन, फिर मैं कर ले भाई कोई बात नहीं। वो उन्होंने करा होगा मीटिंग करी उन्होंने निश्चित दिन और समय पे, और उसके बाद उनका कॉल आया शाम को, बड़ी सैड सी बेचारी, तो बोली चंचल यार, तो मैंने बोला क्या हो गया, तो तेरी यार मतलब ऐसे किसी ने रिस्पॉन्स सा नहीं दिया, और जबकि मेरी क्लोज को बुलाया था यार तूने कैसे शुरू किया था, मैंने बोला सबको एक ही साथ ले लिया था, क्लोज नहीं क्लोज सब क्लोज ही है इस सिस्टम में, तो फिर बोली नहीं यार मतलब किसी ने भी नहीं, ऐसे किसी ने भी नहीं मतलब ऐसे तेरे साथ हुआ, मैंने बोला हुआ, तेरी यार नहीं, मैंने बोला क्या हुआ छोड़ना एज अ प्रोफेशन है ये वो, मैंने उसको थोड़ा बकअप करने की कोशिश करी, तेरी नहीं यार आज तक मेरे बाप ने मुझे नानी कही यार, मतलब इतना ईगो पे चली गई वो बात कि मतलब इतना पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, और वो इतना पर्सनल ले गई कि मैंने उसको इतना मोटिवेट किया कि वो आज तक मोटिवेट हुई नहीं, समझ रहे हैं आप? तो रिजेक्शंस टेक इट, जिस दिन आप इस बिजनेस को बिजनेस समझेंगे आपको रिजेक्शन यहां नहीं लगेगी, या नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी आपको, पर जिस दिन इसको बिजनेस में सोचकर भैया ये करेगी करेगी वहां पे, तो ये रिजेक्शन भाई कल भी थे आज भी हैं। आपको क्या लगता है मैं टॉप अर्नर हूं, तो मेरे पास सब आ जाते हैं, आइए मैडम फॉर्म साइन कीजिए, पूछे भी ना सुनने को मिलती है, बताओ और क्या प्रूफ दूं मैं, अब मैं और मैं क्या दूं प्रूफ, दुनिया जानती है सब कुछ आंखों के सामने है, उसके बाद भी ना मिलती है तो क्या मैं दिल पे लगा लूं, मुझे तो तरस आता है भाई कोई बात नहीं तेरा वक्त नहीं आया अभी, है ना, मैं तो यही कह सकती हूँ कि भाई तेरा वक्त नहीं आया, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मैं तो कोशिश कर रही हूँ और सबको जाए ये, तो रिजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, प्लीज डोंट टेक इट एज अ रिजेक्शन, रिजेक्शन ये हिस्सा है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कभी भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सिर्फ उनको लगता है जिनकी जेब में माल नहीं होता, सिर्फ उनके लिए प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, अदरवाइज प्रोडक्ट
कोई भी प्रोडक्ट दुनिया का एक्सपेंसिव नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। गरीब के लिए एक रुपया बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे लिए हजार रुपए वो एक्सपेंसिव नहीं है। लाख रुपए आज मुझे निकालना हो तो एक्सपेंसिव नहीं, वंस अपॉन अ टाइम बहुत एक्सपेंसिव था, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर आपको सुनने को मिलता है तो ये उन्हीं लोगों की कहानी है जिनके पास अभी पैसे की कमी है, तो हम उसको बिजनेस में ट्विस्ट कर सकते हैं। एंड पीपल यूज टू टॉक अबाउट अस वेरी मच वेरी मच, इतनी बातें करते थे, और खासकर जो अपने बहुत होते हैं। मैं मेरी बेटी इसी सिस्टम में पैदा हुई, और मुझे अच्छे से याद है मेरी सो कॉल बहुत क्लोज फ्रेंड, वो बोलती थी यार तेरी बेटी ना पीछे पार्क में ना यार रोती है यार, मतलब कैसे छोड़ के चली जाती है यार, पैसे के पीछे इतना क्या भागना। मुझे ये इतना सुनने को मिलता था कि समटाइम सीरियसली मुझे लगता था कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, और बिकॉज भाई बच्चे से बड़ा तो कोई होता नहीं है, मुझे लगता था सिद्धार्थी कर रहे ठीक है, मतलब मुझे क्या, मतलब ठीक ओके। बट मैं आपको बताऊं, इसका जवाब ना दो तीन बार सुना, मुझे लगा अगर मुझे इस बच्चे को बेस्ट देना है ना, मुझे इस बच्चे को जो मांगे, मेरी एक एवरेज लाइफ रही है, एक मिडिल क्लास लाइफ रही है, अगर मेरी बेटी को वो सब जो वो उम्मीद और तमन्ना रखे अगर मुझे वो देना है, तो आज मुझे इसे कुछ नहीं बता भी, दो ढाई साल की अब इसे क्या ही बताए, जब ये 10-12-15 साल की होगी तब तक मुझे कुछ ऐसा कर देना है, कुछ ऐसा बना देना है कि ये कुछ भी कहे ना तो मैं ना कह पाऊं, मैं बोलू हाँ बेटा। और आज वो समय है फ्रेंड्स जहां पर कि वो जो लोग थे उसी अपार्टमेंट में उसी तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, और आज वो मुझे बोलते हैं यार तेरा तो यार कहीं तो यूएस है तो कहीं स्विट्जरलैंड है तो कहीं कैनेडा है तो कहीं कहीं है। पर उनका जवाब आज इनडायरेक्ट मैंने दे दिया कि उस टाइम अगर मैंने काम ना किया होता और छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस ना किए होते, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है, अगर हमें आके कोई कुछ कह रहा है तो तकलीफ तो हमें भी होती है, और वो तकलीफ को हमने साइड करके काम ना किया होता तो शायद आज इस मुकाम पे नहीं होते, और शायद जो अभी आपने सुना बच्चों के बारे में वो हम कभी कर नहीं पाते।